जो हम लोगों ने लास्ट क्लास तक पढ़ा था। आई सपोज बहुत सिंपल क्वेश्चन है और आप लोगों ने भी अपना पढ़ाई स्टार्ट कर दिया होगा, आई होप और एनालिसिस दे सकते। तो पहली कहानी जो है यहाँ पे कंप्लीट द टेबल बोला गया है, आप आंसर दीजिएगा मुझे बच्चों को मालूम था। एल्यूमिनियम 3+ एल्यूमिनियम, उसका एटॉमिक नंबर दिया हुआ है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन दिया है, अब बोल रहा है नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास नंबर निकालना है। तो जल्दी से मुझे बताओ कि जब एटॉमिक नंबर दिया हुआ है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन दिया हुआ है तो मास नंबर कितना होगा? कोई भी सर 40। 40? यस सर। नहीं बेटा, 13 है एटॉमिक नंबर, 27 होगी आपकी मास नंबर, ए इज फॉर मास नंबर। और नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे इसमें? 13 सर। 13। और इलेक्ट्रॉन कितनी होगी? 10 10 10 सर। 10 10 होगा, क्यों? यस सर 10। चार्ज है, द 3 प्लस चार्ज है, तो मतलब जितना नॉर्मल होता है प्रोटॉन उससे उतने कम इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। 10। ओके, अब जल्दी से इसका बताओ, एटॉमिक नंबर 29 दिया हो तो प्रोटॉन भी 29 होगा, बहुत सिंपल है, इलेक्ट्रॉन भी 29 होगा क्योंकि न्यूट्रल है। अब आपको बताना है 63 से 34। ओके, नेक्स्ट Mg2+ एटॉमिक नंबर 10 और इसमें न्यूट्रॉन कितने होंगे बेटे, कुछ बता सकते हो? 12। 24 से 12 माइनस करोगे तो 12 आएगी। स्ट्रॉन्सियम 88 दिया है मास नंबर, मास नंबर मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन 38 दिया हुआ है तो एटॉमिक नंबर 38। एटॉमिक नंबर के बराबर ही तो होती है नंबर ऑफ प्रोटॉन, चलिए अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट। एक ऑयल ड्रॉप है, देखो बोला जा रहा है एक ऑयल ड्रॉप है, चार्ज है 6 × 10⁻¹⁹ मीटर, तेल की बूंद है, ठीक है ना, तेल का एक और उस पे चार्ज हो रहा है 6.4 × 10⁻¹⁹ तो बोल रहा है कि यदि मानो जो भी चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन के कारण है, कितने सारे इलेक्ट्रॉन लगे हुए हैं? सर 4 इलेक्ट्रॉन्स। 4 इलेक्ट्रॉन्स, यस वेरी गुड। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए, जो टोटल चार्ज है, टोटल चार्ज, चार्ज डिवाइडेड बाय चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन इज 1.6 कूलम कट जाएगा और 1.6 मोल का और 10⁻¹⁹ चार इलेक्ट्रॉन ये वाला एक्सपेरिमेंट किसने किया था? मिलिकन। 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 ये तो मिलिकन किया था, बट ये वाला, ये वाला। चैडविक। जेम्स चैडविक। चैडविक ने ये एक्सपेरिमेंट किया था जहाँ पे बेरियम 4 बम है। बेरियम पे उन्होंने अल्फा पार्टिकल को बमबार्ड किया था, अल्फा पार्टिकल, और उनको क्या किया था? कार्बन के साथ में न्यूट्रॉन पार्टिकल, जिसकी मास जो होती है थोड़ी कम होती है, थोड़ी ज्यादा होती है। द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन H+ इज, H+ में कितने सारे प्रोटॉन होंगे? 1 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
Yes, very good. It's 9.1 into 10 to the power minus 31. Arrange in, ये अच्छी क्वेश्चन. और यदि आप लोग सोचना चाहते हो 30 सेकंड सोचो और इसको बताओ.
arrange in order of increasing by mx. Increasing e by mx. E by mx में चार increasing order में सजाना है. बात करो. कैसे बड़ा? जल्दी. कोई दिमाग लगा बोलो. छोटा सर इलेक्ट्रॉन. छोटा से बड़ा. न्यूट्रॉन न्यूटीसी नो मैंने हाथ दिया आप चुप रहो आप मेरी बात ध्यान से समझो ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो कैसे कराया जाता है थोड़ा दिमाग लगाया सिंपल है ई बाई एम है सबका तो देखो इस पे दो यूनिट चार्ज कितनी चार्ज है टू पॉजिटिव दो यूनिट में मैं चार्ज को चार्ज बाय मास है जो टू चार्ज ऊपर में रखा और हीलियम का जो मास होता है कितना होगा देखो टू फोर बोलने का मतलब इसमें दो प्रोटॉन है और दो न्यूट्रॉन है दो प्रोटॉन दो न्यूट्रॉन और दो इलेक्ट्रॉन जो कि उधर निकल जाए है ना दो प्रोटॉन है और दो न्यूट्रॉन है तो प्रोटॉन दो है न्यूट्रॉन दो है तो हम लगभग मान सकते हैं कि चलो चार प्रोटॉन ही है सर वीडियो नहीं आ रहा है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की मास जो रहती है लगभग तो सेम ही रहती है थोड़ा सा आगे पीछे रहता है तो मान लो कि चार प्रोटॉन है और एक प्रोटॉन का मास कितना मैंने बताया था इलेक्ट्रॉन के टर्म में 1836 इनटू मास ऑफ बताया था ना 1836 इनटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 1836 गुना होती है मास ऑफ सर वीडियो नहीं आ रहा है जीरो ही आएगा तो यहाँ पे वैल्यू जीरो आएगा इलेक्ट्रॉन वन यूनिट चार्ज डिवाइडेड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन वन यूनिट चार्ज डिवाइडेड बाय 1836 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अब आपको देखना है कि किस केस में आप सबसे बड़ा वैल्यू से डिवाइड कर ओके तो इस केस में मैं सबसे बड़ा वैल्यू से डिवाइड कर रहा हूं बट उससे पहले किसी की वैल्यू जीरो भी आ रही जीरो डिवाइडेड बाय मास ऑफ न्यूट्रॉन तो जीरो ही आएगी तो सबसे हल्का तो यही हो गया ई बाय एम का वैल्यू सबसे छोटा इसी का नंबर वन सबसे छोटा ही फिर कौन सबसे बड़ा से डिवाइड कर रहे हो बड़ा से डिवाइड करो तो छोटा वैल्यू आएगा तो नेक्स्ट बड़ा से डिवाइड कर रहे हैं 2 * 1836 तो नेक्स्ट छोटा ये फिर उसके बाद और नेक्स्ट छोटा कौन सा है 1836 टाइम्स * मास ऑफ फिर सबसे छोटा से डिवाइड करने से सबसे बड़ा वैल्यू आता है सबसे बड़ी है ना तो ऐसे तरीके से बनाना है कि सम सिंपली बन जाए आपको इलेक्ट्रॉन का चार्ज नहीं लिखना है मास नहीं लिखना है आप सिंपली 1 यूनिट चार्ज 2 यूनिट चार्ज मान के बना लो वेरी सिंपल क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट ये तो मेंस में पूछा हुआ क्वेश्चन सर बोलिए बेटा सर जो मास लेंगे वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ही लेंगे मतलब देखो स्टैंडर्ड होता है ना मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के टर्म में तब क्या है इक्वल चीज से डिवाइड कर रहे हैं इक्वल चीज से डिवाइड करेंगे तभी ना पता चलेगा सबको इक्वल चीज से स्क्रीनशॉट ले लो बेटा आप लोग क्योंकि ये सब क्वेश्चन आपको रिविजन टाइम में काफी काम आएंगे ओके स्क्रीनशॉट ले लो फिर आगे बढ़ेंगे जल्दी मिटा रहा हूं मैं ठीक है आई सपोज सबका हो गया
देखो लास्ट क्लास में हम लोग डील कर रहे थे विद सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, ओके। वहां पे मैंने आप लोगों को बोला भी था कुछ होमवर्क करके लाओगे। सबसे पहला डेफिनेशन जो हम लोगों ने देखा था लास्ट क्लास में दैट वाज ऑफ आइसोटोप्स। तो आइसोटोप्स के बारे में सबको मालूम ही होगा आइसोटोप्स क्या होती है। सेम एलिमेंट सर जिसका मास नंबर डिफरेंट, ये तो बताया था लास्ट क्लास में। यदि एग्जांपल के तौर पर हम लोग देखें कार्बन कार्बन 6-12 कार्बन 6-13 मैंने हाइड्रोजन का एग्जांपल दिया था लास्ट क्लास में कार्बन 6-14 देखो सब केस में क्या है इलेक्ट्रॉन तो सेम ही है मतलब मास नंबर भी सेम है मतलब प्रोटॉन भी सेम है सिर्फ क्या अलग होगी इसकी डिफरेंस अलग बोले तो मास नंबर अलग ओके तो एटम ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर या डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और एग्जांपल यदि आप देखो तो ऑक्सीजन 8-16 ऑक्सीजन 8-18 ऑक्सीजन की दो वैरायटी दिया एक 8 एटॉमिक नंबर और 18 और 16 मास नंबर ठीक है और बहुत सारे आपने जूनियर क्लास में पढ़ा है क्लोरीन 1735 कभी काल आपको फ्रैक्शनल एटॉमिक मास निकालने के लिए बोला जा सकता है तो फ्रैक्शनल एटॉमिक मास होती क्या है चलो देखते हैं। एग्जांपल मैं लेता हूं क्लोरीन का एक क्लोरीन 1735 है और क्लोरीन 1737 जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिया जाएगा तो आपको इसकी अबंडेंस दी जाएगी कि कितनी परसेंट कौन मिलती है नीचे यदि रिलेटिव अबंडेंस का बात करूं रिलेटिव अबंडेंस का मतलब होता है कि कौन कितना रेशियो में पाया जाता है ये जब भी मिलता है ना तो 3:1 तीन पार्ट ये वाला आइसोटोप मिलेगा तो ये वाला एक पार्ट मिलेगा कहीं भी मिलेगी तो तीन पार्ट इसकी मिलती है एक पार्ट इसकी इस रेशियो में ये नेचर में पाया जाता है तो इसका यदि आपको फ्रैक्शनल एटॉमिक मास निकालने बोला जाता है तो आपको कुछ नहीं करना बहुत सिंपल है इसका जो मास नंबर है इंटू इसकी अबंडेंस 35 × 3 प्लस इसकी जो अबंडेंस है इनटू इसकी मास नंबर 1 × 37 डिवाइडेड बाय टोटल रेशियो 4 अब इसको डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगी 35.5 एटॉमिक मास मतलब बोलने का क्लोरीन का जो हम लोग एटॉमिक मास लेते हैं वो एवरेज पकड़ के चलते हैं नॉर्मली हम कैलकुलेशन में 35.5 ही लेते हैं ओके Understood? तो फ्रैक्शनल एटॉमिक मास निकालने का ये तरीका है कभी भी एग्जाम में आएंगे तो आपको रिलेटिव अबंडेंस दे देगा और आपको आराम से निकाल तो ये है आइसोटोप की कॉन्सेप्ट अब यदि हम लोग देखें नेक्स्ट आइसोबार तो ऐसा कुछ बहुत बच्चे देख के भी आए होंगे होमवर्क में बोला था यदि देख के आए हो तो सीरियस हो पढ़ाई के लिए यस सर यस सर मास नंबर सेम हैविंग सेम मास नंबर बट दिस एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैविंग सेम मास नंबर देखो एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट फॉर एग्जाम्पल जैसे कि देखो मैंने ये किया आर्गन 18-40 ठीक है ना एटॉमिक नंबर 18 मास नंबर 40 पोटासियम 19-40 कैल्शियम 20-40 तो आपको देख के एक चीज यहाँ पे नजर आ रहा होगा कि ये जो एटम्स है डिफरेंट एलिमेंट के हैं एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स डेफिनेशन में है एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग सेम मास नंबर देखो सबका सेम है ना मास नंबर सबकी सेम है तो उनको हम बोलते हैं आइसोबार्स आइसोबार्स क्या होते हैं एटम्स अलग एलिमेंट्स के जिनका मास नंबर सेम है या दूसरों शब्दों में ये भी बोल सकते हो
the number of neutron plus proton is same. यही बोल सकते हैं. न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन मिला के सेम रहेगा, है ना? 40 न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन मिला के 40 है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन मिला के 40 है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन मिला के 40 है. ओके, ये हो गई आइसोबार आपकी. ओके, वेरी सिंपल. और कुछ है नहीं इस कॉन्सेप्ट में. और यदि थोड़ा मोड़ा कुछ आप लोग देखो तो एक होती है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज. सर जिसका इलेक्ट्रॉन सेम होता है. वेरी गुड बेटा, क्या नाम है आपका, नाम बताओ जल्दी. सर सानू. सानू पर रहे हो बेटा, गुड, मेहनत करते रहो. आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज क्या है, ये तो नया चीज है आपके लिए. ऑलवेज आपने पढ़ा है तब आपको पता चला, क्योंकि 10 तक तो ये पढ़ा नहीं होगा. आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज का मतलब होता है स्पीसीज हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. देखो मैं एक ऐसा ग्रुप बनाऊंगा जहां पे देखो, जैसे कि मैं लिख रहा हूं Na+, एक आयन है, Al3+ ये भी एक आयन है, Mg2+ ये भी एक आयन है, O2- ये भी एक आयन है, F- ये भी एक आयन है. अब चलो हम लोग देखते हैं कि इसमें कौन सा पार्टिकल सेम है. तो यदि मैं आपसे बात करूं कि Na+ में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो जल्दी से मुझे सब बता सकते हो कितना इलेक्ट्रॉन होगा. यस सर. मैग्नीशियम की 12 होती है एटॉमिक नंबर, दो इलेक्ट्रॉन निकल गए इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन है. ऑक्सीजन की 8 होती है एटॉमिक नंबर, दो नेगेटिव चार्ज है, मतलब दो इलेक्ट्रॉन आई है तब ना दो नेगेटिव चार्ज आई है, 8 और 2 10 इलेक्ट्रॉन है. फ्लोरीन की 9 होती है एटॉमिक नंबर, एक माइनस चार्ज है उस पे, तो एक इलेक्ट्रॉन आ रही है तब ना एक नेगेटिव चार्ज आया है, 9+1 10 इलेक्ट्रॉन. अब क्या देख रहे हो, ये जो ग्रुप मैंने लिखा है यहाँ पे सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है. ओके, तो एक ऐसा ग्रुप यदि आप लिखते हो जहां पे सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, तो उस ग्रुप को हम लोग बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज. याद रहेगा, बहुत सिंपल है. ओके, आइसोटोन्स. आइसोटोन क्या हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. मतलब बच्चे पढ़ रहे हैं, मतलब आई थोड़ी भी सेटिस्फाइड नहीं पढ़ने वाले बच्चे हैं यहाँ, मेहनत करते रहना, बट कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए मेरे साथ. ओके, आइसोटोन्स. आइसोटोन्स की बात करूं तो एटम्स हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन. ओके, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन. तो एग्जांपल देता हूं, एक सिलिकॉन ले लो 14-30, फॉस्फोरस ले लो 15-31, पोटेशियम 15-32. अब इसमें देखो कितने हैं न्यूट्रॉन, माइनस करो 30-14, तो न्यूट्रॉन आ जाएगी इसमें आपको 16. ओके, इसमें कितनी है, 31 से 15 गया तो 16, इसमें 32 से 16 गया 16, तो सब में हम लोग देख रहे हैं कि न्यूट्रॉन सेम है. तो आइसोटोन्स उनको बोला जाता है, वो एटम्स जिनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम है. n का मतलब मैं न्यूट्रॉन इंडिकेट कर रहा हूं, ठीक है, या 0 n1 की तो न्यूट्रॉन भी 16 16 16. ओके, अब चलिए एक नया डेफिनेशन है, शायद आप लोग सुने होंगे, तो वेरी गुड. कोई जवाब देता है तो ऑब्वियसली अच्छी नॉलेज रखते हो. आइसोस्टर्स किसको बोलते हैं, कोई बता सकता है? आइसोस्टर्स, किसी को इंफॉर्मेशन है क्या आइसोस्टर्स के बारे में? चलो मैं बताता हूं. सबसे मॉलिक्यूल्स हैविंग सेम नंबर ऑफ एटम्स एज वेल एज सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. वेरी गुड, क्या नाम है बेटा आपका? सर सौरभ. सौरभ कहाँ से हो सौरभ? सर धनबाद से, मतलब रह रहा हूँ अभी मुराइडी में, बागमारा एरिया. ओके, वेरी गुड, गुड आंसर, वेरी गुड, अच्छी नॉलेज है. सब्सटेंस हैविंग सेम नंबर ऑफ एटम्स एंड इलेक्ट्रॉन, ऐसे सब्सटेंस
ऐसे सब्सटेंस जिसमें इलेक्ट्रॉन की नंबर और एटम की नंबर सेम है. फॉर एग्जांपल देखो, मैं एग्जांपल दूंगा CO2 N2O. कार्बन डाइऑक्साइड ले लो, N2O ले. देखो नंबर ऑफ एटम्स देखो, इसकी एग्जांपल ले लेना, ठीक है. मैं ये वाला यहां पे एटम सेम होनी चाहिए. एटम देखो कितना है इसमें, दो एटम ऑक्सीजन का, एक एटम कार्बन का, टोटल हो गए 3 एटम्स. इसमें भी दो एटम नाइट्रोजन का, एक और एटम इसका, इसमें भी आ गए 3 एटम. वेरी गुड. अब इलेक्ट्रॉन्स देखते हैं. कार्बन में होती है सब मिलाकर 6 एटम्स, सॉरी 6 इलेक्ट्रॉन्स. डेफिनेशन बोलता है नंबर ऑफ एटम्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम रहनी चाहिए. तो एटम्स तो सेम ही है, 3-3 एटम है दोनों में. कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन होती है, 8 to the 16, और 16 और 6 22 इलेक्ट्रॉन. कार्बन डाइऑक्साइड में सब मिला के 22 इलेक्ट्रॉन. N2O, एक नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन, दो नाइट्रोजन में 14 इलेक्ट्रॉन. 14 और 8 22 इलेक्ट्रॉन. ओके, तो ये इंफॉर्मेशन नई चीज है, इसको दिमाग में रखना. एक और बता ही देता हूँ, जब जानते हो इतना आपको. आइसो डायोपियर सर, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन. नहीं, क्या बोलो, क्या हो गया? सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन. नहीं बेटा, एटम्स हैविंग सेम वैल्यू ऑफ न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन. न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन का वैल्यू जब सेम रहेगा कोई एटम्स में, तो उसको हम बोलते हैं आइसोडायोपियर्स. जैसे आप देखो नाइट्रोजन 740 और ऑक्सीजन 816 मैंने लिया, ये दो एग्जांपल हैं. तो n माइनस p कर रहा हूं, न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन. इसमें न्यूट्रॉन कितनी है, पहला वाला में 7 सर, 7 माइनस 7 कितना हो गया 0. n माइनस 5 p का वैल्यू 0. यहां पे न्यूट्रॉन 8, प्रोटॉन 8, तो n माइनस पी का वैल्यू यदि कोई दो एटम्स में सेम हो तो उन्हें हम बोलेंगे आइसोडायोपियर्स. ओके, बहुत सिंपल सी कॉन्सेप्ट है, कुछ दिमाग लगाने की नहीं है, बस जान लो. कभी कभी पूछ दिया जाता है तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है. कि देखो आईआईटी मेंस मेंस में इतना सिंपल क्वेश्चन नहीं पूछेगा, पर बोल सकता है, क्वेश्चन रिलेट कर सकता है कि दो आइसोडायोपियर्स हैं उसमें क्या होगा, ऐसे कभी क्वेश्चन पूछ सकता है. तो आइसोडायोपियर आपको मालूम चाहिए. तो आई सपोज क्लियर है, जल्दी से इसको एक स्क्रीनशॉट ले लो. किसी को कोई डाउट है, देखो अब डाउट की बारी, जब स्क्रीन पूरा तो डाउट की बारी. किसी को कोई डाउट तो पूछ सकते हो, वरना आगे बढ़ेंगे. सर फ्रैक्शन एटॉमिक मास समझ में नहीं आया सर. ओहो, फ्रैक्शनल एटॉमिक मास तो बहुत जूनियर क्लास की कहानी है, आपने 9th में पढ़ा. फ्रैक्शनल एटॉमिक मास का मतलब होता है एवरेज एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास, वही ना. देखो नेचर में ये भी मिल रहा है, ये भी मिल रहा है, दोनों इकट्ठे मिलते हैं. तो आप, मैं बोल दूं कि क्लोरीन का एटॉमिक मास 35 है तो ये सही नहीं है. मैं बोल दूं क्लोरीन का एटॉमिक मास 37 होगा तो ये भी सही नहीं होगा. तो हम लोग क्या करते हैं, एवरेज निकालते हैं. तो तीन गुना ये मिलता है, मतलब तीन पार्ट ये मिलता है, एक पार्ट ये मिलता है नेचर, ठीक है. नेचर में जब भी मिलता है इस रेशियो में पाया जाता है, 3:1. तो तीन गुना ये मिलता है, तो तीन गुना मतलब तीन गुना कोई भी सैंपल रहेगा तो ये वाला तीन गुना रहेगा, 3 × 35 वाला रहेगा, और 1 × 37 वाला ये रहेगा, डिवाइडेड बाय टोटल इज 35.5 AMU. आपने जूनियर क्लासेस में मैथ्स बनाया है कि एक दुकानदार था 6 kg चावल और दूसरा एक 4 kg चावल मिला के बेचता है, तो एवरेज दाम क्या होगा, एक की दाम इतनी है दूसरे की दाम इतनी है, ऐसे ही करके निकालते हैं. सिंपल मैथ्स है, एवरेज. समझ आ गया सर? पर एक कार्बन डाइऑक्साइड का फ्रैक्शन एटम मास क्या, एक कार्बन का क्या होगा सर फ्रैक्शन एटम मास? कार्बन का कहां है, क्लोरीन है बेटा, Cl है. हां सर, तो हम पूछ रहे उसका भी तो हो सकता है ना सर. किसका? कार्बन का. हां बता रहे, इसका भी हो सकता है, बट क्या है इसमें क्यों इग्नोर कर देते, जैसे ये ऑक्सीजन का एग्जांपल, ऑक्सीजन का बोलो सर इसका भी तो फ्रैक्शन एटमिक मास हो सकता है, ये 16 है, ये 18 है, तो काहे नहीं हम लोग जब कैलकुलेशन करते हैं तो 16 ही लेके कैलकुलेशन करते हैं. रीजन क्या है, देखो ये वाला जो मिलता है लगभग 99.95% मिलता है, ये जब भी कहीं मिलेगा तो 99.95% रहेगा, 0.05% रहेगा, तो इतनी कम ये रहती है इसलिए हम लोग इग्नोर करते हैं. पर इसकी जो अबंडेंस है काफी ये होती है, 75% मिलता है तो 25%,
25% तो इग्नोर नहीं ना कर सकते, इसलिए हम लोग फ्रैक्शनल एटॉमिक मास उनके केस में कैलकुलेट करते हैं जो एबंडेंस में थोड़ा ज्यादा वाला है। यदि देखो ये वाला सबसे ज्यादा मिलता है तो ये बहुत कम होता है, बहुत कम होता है, इसलिए हम इन लोगों का इग्नोर करते हैं, इसी वाला का पकड़ के कहते हैं। समझ गए बात को? यस सर। उन केस में फ्रैक्शनल एटॉमिक मास का कॉन्सेप्ट लगाते हैं जहां पे एबंडेंस कंपेरेबल हो या थोड़ा ज्यादा हो दूसरा। ओके समझ गया। चलिए सर। हाँ बोलिए सर। मेरे पास एक पीडीएफ है जिसमें लिखा हुआ है कि कौन कौन सा पोर्शन डिलीटेड है सर, तो उसमें आइसोटोप और आइसोबार रिड्यूस किया हुआ है। आपको मालूम है आपके 11th के फिजिक्स के पोर्शन से न्यूटन का फर्स्ट लॉ, न्यूटन का सेकंड लॉ और न्यूटन का थर्ड लॉ हटा दिया है। तो आप यदि न्यूटन का फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ नहीं पढ़ोगे तो आप तो कोई चीज समझ ही नहीं पाओगे। एफ इक्वल टू एम ए नहीं पढ़ोगे तो कोई चीज बना पाओगे? तो सीबीएसई ने डिलीट करने के लिए तो कुछ भी डिलीट किया है। आपको कॉन्सेप्ट सीखना है और आईआईटी का एग्जाम देना है, तो उसने जो चीज डिलीट कर दिया उसका रिलेशन है कोई चीज से, तो मैं ये चीज नहीं पढ़ाऊंगा, तो जो चीज सिलेबस में उसका तो रिलेशन है। और आप डिलीटेड चीज पढ़ने के लिए यहाँ पे नहीं आए हो बेटा, आप तैयारी करने के लिए आए हो, एक नेशनल लेवल का एग्जाम है, आप आईआईटी निकालना चाहते हो, नीट निकालना चाहते हो, तो वही समझो फिजिक्स में से न्यूटन का फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ निकाल दो तो फिजिक्स में बचेगा क्या? कुछ समझ आएगी? यस सर। तो वही बात है, समझ गए? तो सीबीएसई ने तो डिलीट कर दिया, अब हम लोग तो पढ़ाएंगे ना, हमको मालूम है कि कौन सा कॉन्सेप्ट किससे रिलेटेड है तो बताना तो पड़ेगा। ओके यस सर। सर थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लेना है सर, आप थोड़ा साइड हो जाएं। हां हां बेटा हट जाओ। हो गया बेटा? चलिए। यस सर। देखो बेटा मैंने पहले क्लास में पढ़ाया था आप लोगों को, मैं आपको केमिस्ट्री सिखाने आया हूँ, केमिस्ट्री को मस्ती में पढ़ाने आया हूँ, केमिस्ट्री रटने की चीज नहीं है, ये दिमाग से निकालने आया हूँ। और उसके हर कॉन्सेप्ट को पकड़ो और हर चीज को ग्रैब करो, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, छांट छांट के पढ़ोगे तो आपका काम का नहीं रहेगा, क्योंकि रिलेशन है टॉपिक। डिलीट कर देना टॉपिक का मतलब नहीं है कि वो चीज को हम नहीं पढ़ेंगे तो आगे की चीज समझेंगे कैसे। सीबीएसई ने थोड़ा लॉजिकली काम नहीं किया है यदि बोला जाए, लीव इट, उसमें हम लोग डेप्थ में नहीं जाएंगे, पर हम लोग कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हर कुछ पढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये तो कहानी हो गई, तो इलेक्ट्रॉन का खोज हो गया, प्रोटॉन का खोज हो गया, न्यूट्रॉन का खोज हो गया, और उससे रिलेटेड हम लोगों ने एटम भी देख लिया कि एटम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कैसे हो सकते, पर एटम का मॉडल कैसा हो ये हमको देखना है कि एटम का मॉडल कैसा। तो सबसे पहले मॉडल आई थी थॉमसन प्लम पडिंग मॉडल। देखो थॉमसन प्लम पडिंग मॉडल आई थी 1898 में ही आ गई। सब मॉडल भी एक दूसरे से रिलेशन है बेटा, एक नहीं पढ़ोगे तो दूसरा समझ ही में नहीं आएगा। थॉमसन ने 1897 में इलेक्ट्रॉन का खोज किया और 1898 में वो बताने लगे कि एटम ऐसा हो सकता है। ओके तो उन्होंने क्या बताया, चलो हम लोग देखते हैं। द मेन प्रिंसिपल्स देखो इनकी मॉडल की मेन प्रिंसिपल्स क्या है। फर्स्ट इनके हिसाब से एटम इज अ स्फीयर in which positive charge is uniformly distributed
ठीक है ना, इनके हिसाब से देखो ध्यान से, इनके हिसाब से एटम इज अ स्फीयर, एटम एक स्फीयर की तरह है, ओके, इनके हिसाब से एटम एक स्फीयर की तरह है जिसमें पॉजिटिव चार्ज जो है, पॉजिटिव चार्ज जो है वो पूरे में डिस्ट्रीब्यूटेड है, पूरे में डिस्ट्रीब्यूटेड है। आप एज्यूम कर सकते हो एक खरबूजा, जूनियर क्लास में भी पढ़े हो पर थोड़े से कॉन्सेप्ट को पकड़ दिए हैं यहाँ पे, एक खरबूजा एज्यूम करो, खरबूजा में जो रेड वाला पोर्शन होता है खरबूजे में, तो रेड वाला पोर्शन क्या रहेगा, पूरे में रहता है, ओके। तो थॉमसन के हिसाब से आप मान सकते हो एटम को एक तरबूज का जैसा समझ सकते हो, और उसमें जो रेड वाला पोर्शन है वो पूरा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना, ओके, एटम एक स्फीयर है और ये रेड वाला पोर्शन क्या है, पॉजिटिव चार्ज, ओके, पूरे में फैला हुआ है पॉजिटिव। नंबर टू, इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन बिटवीन द पॉजिटिव स्फीयर, ये पूरी स्फीयर क्या है, पॉजिटिव स्फीयर है, क्यों, क्योंकि पूरे में पॉजिटिव चार्ज फैला हुआ है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड, उसके बीच में इलेक्ट्रॉन है, ये बीच में इलेक्ट्रॉन है, ये बीच में इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, लाइक द सीड्स ऑफ वाटरमेलन, हाँ बोल सकते हो, तरबूजे में जो क्या रहता है बीज रहता है उसके जैसा बीच में, बीच बीच में इलेक्ट्रॉन्स रहता है, लाइक द सीड्स ऑफ गुआवा, हाँ गुआवा बोल सकते हो, या हाइडेल सीड बिस्किट होती है ना, खाए हो ना, उसमें रहती है जो चॉकलेट वाला पार्ट रहता है उसमें, यस सर, बहुत सारा। बट थॉमसन ने क्या बोला था, प्लम पडिंग मॉडल, प्लम पडिंग मॉडल का मतलब होता है क्रिसमस केक, क्रिसमस केक में देखोगे फ्रूट्स रहता है बीच बीच में और चारों ओर आटा का बना हुआ रहता है ना, आटा वाला पोर्शन को पॉजिटिव चार्ज मान लो और जो फ्रूट्स बीच बीच में रहते हैं फ्रूट केक में उनको इलेक्ट्रॉन मान लो, वैसा एटम को उन्होंने बताया। तीसरा, इनका मॉडल का सबसे बड़ा सक्सेस, सबसे बड़ा सक्सेस इनका मॉडल का, ये दोनों तो गलत है आपको मालूम है, इनका मॉडल का जो सबसे बड़ा सक्सेस क्या है, द सम ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू सम ऑफ नेगेटिव चार्ज, इसका मतलब क्या है कि सब मिला के जितना पॉजिटिव चार्ज एटम में है उतना सब मिला के नेगेटिव चार्ज एटम में, तो इसका मतलब क्या, एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, तो इसने एटम की इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का कॉन्सेप्ट दे दिया, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया था जो अभी तक सही, ओके, दिस इज 100% राइट। अब इनकी फेलियर क्यों हुई, रीजन क्या है इनका फेलियर का, तो मैं आपको बता देता हूँ, घटके हैं जल्दी जल्दी देखते चलते इसको आगे बढ़ते हैं। फेलियर क्या था देखो, कंसिडर्ड पॉजिटिव चार्ज टू बी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, अब बेटा ये तो बिल्कुल गलत वाली बात है ना, आज की एटम आपको मालूम है कि जो पॉजिटिव चार्ज है, जो पॉजिटिव चार्ज है वो छोटी सी न्यूक्लियस में कंसंट्रेटेड है, जो पॉजिटिव चार्ज है वो छोटा सा जगह में प्रेजेंट है, इनके हिसाब से पॉजिटिव चार्ज पूरा में फैला हुआ है, तो गलत है, ओके, तो इनकी मॉडल ये फेलियर थी। रीजन दूसरा, इट इज अ स्टैटिक मॉडल, स्टैटिक मॉडल एंड रिफ्लेक्ट्स एंड नो एक्सप्लेनेशन फॉर मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, देखो इट इज अ स्टैटिक मॉडल, मतलब स्टैटिक का मतलब होता है फिक्स्ड, पर क्या एटम में हर चीज फिक्स्ड है, नहीं, एटम में हर चीज नहीं फिक्स्ड है, एटम एक डायनामिक मॉडल है, उसमें चीजें घूमती है, इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है, तो ये एक स्टैटिक मॉडल है, इन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉन बीच में एकदम फिक्स्ड है बीज के तरह, तो ऐसा तो नहीं था, इट इज अ डायनेमिक मॉडल, एटम एक डायनेमिक मॉडल, स्टैटिक बता के उन्होंने गलती किया कि एटम में हर चीज फिक्स्ड है, नहीं बिल्कुल गलत, एंड नो एक्सप्लेनेशन फॉर मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन,
इलेक्ट्रॉन के मोशन को तो कुछ एक्सप्लेन किया ही नहीं. ओके तो बहुत सिंपल सी चीज है. जल्दी जल्दी लो या स्क्रीनशॉट मार लो, कुछ ज्यादा है नहीं इसमें, लिखने की जरूरत भी नहीं है. आगे बढ़ेंगे सर. थर्ड पॉइंट फिर से एक बार समझा दिए तो. पर लास्ट वाला पॉइंट, सेकंड वाला पॉइंट. सर फर्स्ट वाला, ये वाला. यस सर. वो ये अच्छा. एटम न्यूट्रल है. ओके न्यूट्रल कैसे है? यदि उसमें जितना प्रोटॉन होगा उतना इलेक्ट्रॉन होगा, इसलिए न्यूट्रल है. आपको आज के दिन में तो मालूम है ना, जितनी इलेक्ट्रॉन है उतनी प्रोटॉन है एटम, इसलिए एटम न्यूट्रल. यदि एक प्रोटॉन है तो उसका चार्ज है प्लस 1.6 इनटू 10 टू द पावर माइनस 9 न्यूट्रल. एक इलेक्ट्रॉन है तो माइनस 1.6 इनटू 10 टू द माइनस 9. तो यदि एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन रहेगा तो एटम न्यूट्रल रहेगा कि नहीं रहेगा? 100 प्रोटॉन रहेगी, 100 इलेक्ट्रॉन रहेगी तो एटम न्यूट्रल रहेगी कि नहीं रहेगी? रहेगी. तो वही उन्होंने उस जमाने में बता दिया कि भले उस जमाने में प्रोटोन का खोज नहीं हुआ, पर उन्होंने इतना बताया कि सब मिला के होल मास, ये लाल वाला पोर्शन मिला के जितना पॉजिटिव चार्ज होगा, इलेक्ट्रॉन की नेगेटिव चार्ज ठीक उसकी अपोजिट तो कैंसिल हो जाएगा ना. यस सर. तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा. समझ आ गई? यस सर. चलिए सर, आरे मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट बता दीजिए एक बार. क्या बता रहे हैं? ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट. यस सर. पढ़ाएंगे बेटा, कहाँ जा रहे हो? नहीं पढ़ाएंगे क्या? बोले ना पढ़ाएंगे, काहे चिंता करते हो. ओके यस सर. और वैसे भी ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से उतना डेप्थ में क्वेश्चन नहीं आता है. ओके क्योंकि ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में फिजिक्स के बहुत सारे चीज घुसते हैं और वो हायर फिजिक्स, बट सिंपल में मैं आपको समझाऊंगा, ऐसे बात नहीं. जितनी आपको आईटी मेन से एडवांस तक है वो तो बताऊंगा ही, बट ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट डेप्थ में नहीं है. एक एक करके पढ़ेंगे सब. थॉमसन की मॉडल आ गई. ओके अब थॉमसन का मॉडल आया और उसके बाद एक्चुअली क्या है, एक इंटरेस्टिंग कहानी है. दैट इज डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस. मैं बता रहा हूँ, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कवरी. डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस हुई थी. ओके जहां पे रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, दैट इज नोन एज गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट. आप सभी को मालूम होगा गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट. ओके और ये रदरफोर्ड ने किया था. ओके डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस हुई थी एक गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट में, जो एक्सपेरिमेंट को रदरफोर्ड ने किया था. देखो रदरफोर्ड एक्चुअली थॉमसन से बहुत इंस्पायर्ड थे और थॉमसन उस जमाने में बहुत बड़े साइंटिस्ट. थॉमसन जो बात बोलता था, थॉमसन का बात को काटना इतना आसान नहीं था. रदरफोर्ड एक्चुअली ये जो एक्सपेरिमेंट किए थे गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट, वो इसलिए किए थे क्योंकि वो प्रूव करना चाहते थे कि थॉमसन सही है. वो ये एक्सपेरिमेंट इसलिए किए थे क्योंकि वो प्रूव करना चाहते थे कि थॉमसन सही जो बता रहा है एटम के बारे में वो सही है. बट वो एक्सपेरिमेंट, ये एक्सपेरिमेंट करने के बाद रदरफोर्ड को पता चला कि नहीं, थॉमसन जो बताया था वो गलत. ठीक है चलो देखते हैं थॉमसन ने क्या किया है, ये रदरफोर्ड ने क्या किया. रदरफोर्ड बॉम्बार्डेड एटम्स इन गोल्ड फॉइल विथ अल्फा पार्टिकल. ओके अब अल्फा पार्टिकल क्या होती है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप सभी को मालूम है. अल्फा पार्टिकल एक पॉजिटिवली चार्ज, दो पॉजिटिवली चार्ज हीलियम एटम होती है जो काफी स्पीड से चलती है, 15,000 किलोमीटर पर सेकंड के आसपास इसकी स्पीड है. तो रदरफोर्ड ने क्या किया था, अल्फा पार्टिकल को एटम्स के ऊपर स्ट्राइक करवाया. सिंपल सी बात है. रदरफोर्ड ने क्या किया था, बहुत सिंपल एक्सपेरिमेंट थी, अल्फा पार्टिकल्स को एटम्स के ऊपर हिट करवाया. ये अल्फा पार्टिकल है और ये एटम्स है मानो, इसके ऊपर हिट करवाया. ठीक है ना.
इनफैक्ट रदरफोर्ड ने अल्फा पार्टिकल को पतली सी गोल्ड फॉइल के एटम्स पे हिट करवा वो एक्सपेरिमेंट की सेटअप क्या थी वो देख लो पहले। देखो रदरफोर्ड ने एक अल्फा एमिटर चेंबर लिया था, यहां से अल्फा रेज निकली, ये अल्फा एमिटर है जिसे अल्फा रेज निकलते हैं, और अल्फा रेज को उन्होंने एक पतली सी गोल्ड के सीट पे हिट करवाया था, पतली सी गोल्ड की फॉइल पे हिट करवाया था। गोल्ड इसलिए लिया था क्योंकि गोल्ड एक बहुत ही मैलिएबल मेटल है, उससे बहुत पतला सीट बन सकता है और एज्यूम किया जा सकता है कि उसमें बहुत कम एटम्स। तो मान लो गोल्ड को रदरफोर्ड ने अल्फा रेज को एटम्स के ऊपर स्ट्राइक करवाया, ओके ये हो गए अल्फा रेज, और इसमें उन्होंने जिंक सल्फाइड की कोटिंग कर दी अंदर, ओके जिंक सल्फाइड की कोटिंग इसलिए की थी क्योंकि कोई पार्टिकल हिट करता है यहां पे आके तो वो पता चल जाए, और ये वाली थी एक गोल्ड फॉइल, इतनी पतली गोल्ड फॉइल थी किया जा सकता है कि उसमें बहुत कम एटम्स। तो एक्सपेरिमेंट बेसिकली क्या थी, अल्फा पार्टिकल को हिट किया गया था एटम्स के ऊपर, ओके। ये एक्सपेरिमेंट करने से पहले रदरफोर्ड ने क्या सोचा था, ध्यान से सुनिए, ये एक्सपेरिमेंट करने से पहले रदरफोर्ड ने ये सोचा था कि एटम जो है ये एक पॉजिटिव चार्ज का मास, इसमें पूरे में पॉजिटिव चार्ज फैली हुई, और पॉजिटिव चार्ज पूरे में फैली हुई है इसका मतलब क्या है, थोड़ा थोड़ा पॉजिटिव चार्ज हर जगह, हल्का हल्का पॉजिटिव चार्ज हर जगह एटम में। तो उन्होंने सोचा कि यदि ये बिफोर एक्सपेरिमेंट उन्होंने सोचा था कि क्या होगा, दिस इज बिफोर एक्सपेरिमेंट, और उन्होंने सोचा था कि यदि अल्फा रेज को एटम के ऊपर गिराया जाए, यदि अल्फा रेज को एटम के ऊपर गिराया जाए तो अल्फा रेज पॉजिटिवली चार्ज हो, पॉजिटिवली चार्ज अल्फा रेज आएंगे और यदि एटम पे हिट करेगा, ओके तो एटम में पॉजिटिव चार्ज चारों ओर फैला हुआ, तो थोड़ा थोड़ा पॉजिटिव चार्ज है, तो ये पॉजिटिव चार्ज जब पॉजिटिव फील्ड में एंटर करेगा तो यहाँ पे हल्का हल्का पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव में हल्का रिपल्सन हो सकता है, ओके। तो उन्होंने सोचा था कि जो भी अल्फा रेज मैं डालूंगा इसके ऊपर सब में इक्वल थोड़ी सी डिफ्लेक्शन होगी, इक्वल डिफ्लेक्शन होगी सब, उन्होंने सोचा। मैक्सिमम उन्होंने सोचा था कि 2 डिग्री की डिफ्लेक्शन होगी सब में, क्यों, क्योंकि बहुत ही हैवी पॉजिटिव चार्ज जा रही है इधर से और यहां पे थोड़ा थोड़ा पॉजिटिव चार्ज कर जाए, तो हैवी पॉजिटिव चार्ज और हल्का पॉजिटिव चार्ज के बीच में हल्का सा रिपल्सन होगा, हल्का सा बेंड हो जाएगा सब इक्वल बेंड होगा। या उन्होंने ये भी सोचा था, ये भी हो सकता है कि ये हैवी पॉजिटिव चार्ज है और इसमें हल्का हल्का पॉजिटिव चार्ज है, तो ये हल्का हल्का पॉजिटिव चार्ज इसको डिफ्लेक्ट भी ना कर पाए और सब अनडिफ्लेक्टेड पाथ। उन्होंने ये भी सोचा था कि मैक्सिमम 2 डिग्री की डिफ्लेक्शन होगी या नो डिफ्लेक्शन, ये उन्होंने सोचा था एक्सपेरिमेंट करने से पहले, और एक्चुअली यही होना चाहिए था यदि थॉमसन का मॉडल सही है। बट ये एक्सपेरिमेंट को जब किया गया तो उन्होंने देखा क्या, ध्यान से देखिए, कि कुछ रेज, मतलब बोले तो बहुत सारे रेज अनडिविएटेड पार हो रही है, अनडिविएटेड, अक्सर रेज अनडिविएटेड हिट कर रही है यहाँ, तो उन्होंने सोचा बिल्कुल सही है, मैंने जो सोचा वो सही है, बहुत सारे रेज अनडिविएटेड पार कर जा रहे हैं। और एक्सपेरिमेंट जब उन्होंने रिपीट करते रहा तो उन्होंने देखा क्या कि कुछ रेज में स्मॉल डिफ्लेक्शन आ रही है, तो उनको फिर थोड़ा दिमाग खटकने लगा कि तो ज्यादा डिफ्लेक्शन काहे हो रहा है, और एक्सपेरिमेंट जब करते रहे, कंटिन्यू करते रहे उन्होंने, तो उन्होंने देखा कि कुछ रेज और लार्ज डिफ्लेक्शन आ रही है, मतलब एकदम इधर से इधर आ रही, और एक दो रेज को तो उन्होंने देखा कि ठीक एकदम वापस चला गया जिस रास्ते से आ रहा ठीक वापस भाग गया, तो उनको तो बड़ा अजीब लगा, कैसे हो गया,
एक इतना फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल जो 15,000 किलोमीटर प्रति सेकंड के स्पीड से आ रहा है, एक पतली सी गोल्ड फॉइल उसको वापस भेज दिया, ऐसे कैसे हो सकता है? मतलब आप गोली चलाओ, इन्होंने अपने शब्दों में बोला था कि गोली चलाओ, बंदूक की गोली, और वो टिश्यू पेपर से टकरा के आ गया, ऐसा हुआ? अभी बंदूक का गोली टिश्यू पेपर से टकरा के वापस आ सकता है? नहीं। वैसे ये 15,000 किलोमीटर इतनी पतली सी गोल्ड फॉइल से वापस आ सकता है क्या? नहीं आना चाहिए, तो उनका दिमाग चढ़ा गया, क्या हो रहा है? तब उन्होंने बोला कि नहीं, थॉमसन गलत, उन्होंने बोला थॉमसन साहब आप गलत। तो फिर उन्होंने क्या बताया, ध्यान से देखिएगा, उन्होंने बोला नहीं थॉमसन ने कुछ तो गलती की। तो फिर उन्होंने जो बोला कि एटम कुछ ऐसा, एटम में जो भी पॉजिटिव चार्ज है वो एकदम छोटी सी जगह में प्रेजेंट है। इसलिए क्या हो रहा है, जो मोस्ट ऑफ द अल्फा रेज आप दे रहे हो यहां, मोस्ट ऑफ द अल्फा रेज क्या है, अनडिविडेड पार्ट, सीधे पार्ट होता है, अनडिविडेड। ओके, कुछ अल्फा रेज जो न्यूक्लियस के सामने से गुजरती है, न्यूक्लियस के सामने से गुजरती है तो उसमें स्मॉल डिफ्रेक्शन। ओके, कुछ अल्फा रे जो न्यूक्लियस के बिल्कुल सामने जाती है उसमें लार्ज इंफेक्शन होती है, और कुछ अल्फा रे यदि डायरेक्ट एकदम न्यूक्लियस को हिट करने वाला पोजीशन पे जाता है, कुछ अल्फा रे यदि डायरेक्ट एकदम न्यूक्लियस, मान लो ये वाला न्यूक्लियस एकदम वहीं पे हिट कर रहा है, मतलब वहीं पे हिट करने के लाइन में जा रहा है, तो वहां से ठीक वापस आ रहा है, ठीक वापस मार दे रहा है। ओके, एकदम न्यूक्लियस के पास वाले, मतलब मानो ये छोटे से न्यूक्लियस उसके लाइन में हिट करने जा रहा है, तो वहां से ठीक वापस आ रहा है। तो बोलने का मतलब ऐसा क्यों हुआ, जो पूरी पॉजिटिव चार्ज है एक छोटी सी जगह पे, तो उसके सामने से कोई पॉजिटिव चार्ज गुजरता है तो उसमें हल्का सा डिफ्लेक्शन हो रहा है, थोड़ा सा ज्यादा सामने से गुजरता है तो लार्ज डिफ्लेक्शन हो रहा है, और एकदम उसके लाइन में आता है। देखो ये भी पॉजिटिव चार्ज, और सारी पॉजिटिव की छोटी सी जो पार्ट मैं उंगली दिखा रहा हूँ ये समझ लो पॉजिटिव चार्ज, सारी पॉजिटिव चार्ज यहीं पे है, मतलब पूरी पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी एक छोटे से जगह में प्रेजेंट है, एटम का जितना भी पॉजिटिव चार्ज है एक छोटे से पोजिशन पे है। तो ये अल्फा रेज यहाँ से जा रहा, इसके पास पहुंच भी नहीं पा रहा है, तभी उसको रिपल्सन मिल रहा है और ठीक वापस आ रहा है, सामने पहुंच भी नहीं पा रहा है और रिपल्सन मिल रहा है और वापस आ रहा है। तब रदरफोर्ड को समझ आया, अरे ये कहानी तो गड़बड़ वाली बात थी, ये सही बात। ओके, तो उन्होंने फिर बताया कि एटम कैसा हो सकता है, रदरफोर्ड कंक्लूजन, most of the space within an atom is empty. रदरफोर्ड ने बोला कि अक्सर जगह एटम में खाली है, क्यों खाली है, अक्सर रेस को अनलिमिटेड पार हो जा रही है, सीधी सी बात है, तो अक्सर जगह एटम में एम्प्टी है, और उस खाली जगह को उन्होंने बोला एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन। ध्यान से सुनो, एटम की जो खाली जगह है जहां पे कुछ नहीं है उसको बोला जाता है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन। ओके, मानो ये एटम है, ये न्यूक्लियस छोटी सी पार्ट है और इलेक्ट्रॉन की इधर-उधर घूमता रहता है कहीं, बट अक्सर जगह एटम में खाली है, तो मोस्ट ऑफ द स्पेस, अक्सर स्पेस एटम के अंदर में खाली है, जिसको बोला जाता है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर स्पेस, खाली जगह। दूसरा, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस is negligible compared to volume of atom। देखो ये तो बताने की मुझे जरूरत नहीं है, एटम की न्यूक्लियस की जो वॉल्यूम है एटम के वॉल्यूम के सामने बहुत छोटी है। यदि आप सचमुच में अज्यूम करो ना, मैं आपको कहा नहीं बता, क्या बताऊ, समझ लो कि धनबाद, पूरा धनबाद, धनबाद डिस्ट्रिक्ट ले लो, पूरा जो भी गांव है शहर है सब ले लो, उतना बड़ा मान लो एटम, और आप जिस रूम में बैठे हुए हो ना उतना न्यूक्लियस, उतनी छोटी, या ऐसे सोचो एक बड़ा सा ग्राउंड है,
बहुत बड़ी ग्राउंड है फुटबॉल की ग्राउंड, और उसमें एक छोटा सा बालू का कण बीच में रखा, उतनी छोटी न्यूक्लियस, और सारी पॉजिटिव चार्ज वहीं पे है, तब ना ये कहानी हो रहा है, सारा पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे, तब ना यदि उसके लाइन में कोई अल्फा पार्टिकल जा रहा है तो ठीक वापस मार देगा, सामने पहुंच भी नहीं पा। ओके, तो वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की जो वॉल्यूम होती है वो नेग्लिजिबल होती है कंपेयर टू टोटल वॉल्यूम ऑफ सामने। ओके, आई सपोज आइडिया इज क्लियर। आप देखिएगा थर्ड पॉइंट, ये थोड़ा सा है, समझिएगा, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, न्यूक्लियस। ये मैं समझा रहा हूं बाद में, पहले आपको एक एग्जाम्पल से ले, न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन है, ये थर्ड लॉ उसका क्या बोलता है, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर घूम रही है, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर घूम रही है, क्यों घूम रही है, due to force of attraction with that nucleus. Nucleus है, electron है, ये positive charge है, positive charge nucleus है, positive charge क्या कोशिश करेगा, positive charge हमेशा कोशिश करेगा, positive charge हमेशा कोशिश करेगा कि electron को हम अपनी तरफ खींचे, एक positive charge क्या चाहेगी कि negative charge को हम अपने ओर खींचे, है ना, positive charge हमेशा चाहेगा negative charge को खींचे, और ये इलेक्ट्रॉन की भी तो अपनी कुछ एनर्जी है, तो इलेक्ट्रॉन बोला नहीं हम अपनी जगह ठीक है, हम नहीं आएंगे तुम्हारे, रेजिस्ट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन रेजिस्ट कर रही है उसकी तरफ आने से, बट उसके पास आ नहीं रहा है, बट इस फोर्स के इंपैक्ट में वो घूमने लगता है। ओके, तो इलेक्ट्रॉन क्या है, रिवॉल्व करती है न्यूक्लियस के चारों ओर ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विद द न्यूक्लियस, ये जो अट्रैक्शन है उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, पढ़ोगे फिजिक्स में बाद में आप लोग, इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस के साथ एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर घूमने आते हैं। रदरफोर्ड के चीजें थे कि मोस्ट ऑफ द स्पेस एम्प्टी है जिसको एक्स्ट्रा न्यूक्लियर स्पेस बोले, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इज नेगलिजिबल कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ एटम, और इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विद द न्यूक्लियस। ओके, और एक छोटी सी पॉइंट मैं मिस कर गया कि द पॉजिटिव चार्ज इज कंसंट्रेटेड इन अ स्मॉल सेंटर, ये आपको न्यूक्लियर, यस सर, द पॉजिटिव चार्ज इज सेंटर्ड एट अ स्मॉल प्लेस। ओके, तो ये हो गई रदरफोर्ड की कहानी, तो रदरफोर्ड का जो मॉडल था वो कुछ ऐसा है, और रदरफोर्ड का जो एक्सपेरिमेंट था वो कुछ ऐसा है जो थॉमसन के मॉडल के अगेंस्ट है, इसलिए थॉमसन के मॉडल ओके, तो ये कहानी है, किसी को कोई डाउट स्क्रीन में पूछ सकते हो, नहीं तो मैं रदरफोर्ड फेल हुआ ये बताऊं। सर अब हम गोल क्यों लिए, गोल्ड फॉर, देखो एक्सपेरिमेंट करना था कम से कम, अब लोहा पतला सीट नहीं बना सकता, गोल्ड इज द मोस्ट मैलिएबल मेटल, ये आपको मालूम है, बीट करके पतला सीट बना सकता, पतला सीट, ओके, तो इसको थिन क्यों किए, बेटा थिन नहीं करेगा तो ज्यादा एटम, यदि ज्यादा एटम रहेगा तो माइट भी अल्फा नहीं पार कर पाए, तो आगे नहीं ना हो पाएगा, तो सिल्वर क्यों यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि गोल्ड ज्यादा मैलिएबल है बेटा, ज्यादा पतला सीट, देखो एक्सपेरिमेंट करना था कि कम से कम एटम हो, और माना जाए कि एक्सपेरिमेंट एटम का ही हो, एटम के ऊपर ही हो रहा है, सिल्वर इतना मैलिएबल नहीं है जितना गोल्ड मैलिएबल, ओके, करेक्ट, और मेन जो है कॉन्सेप्ट वो समझो, ये उनको पता चल गया है, करेक्ट, आगे बढ़ा जाए, यस सर।
आप फेलियर देखते हैं कि रदरफोर्ड फेल क्यों हुआ। अरे स्क्रीनशॉट किसी को लेना है तो ले ले भाई जल्दी से। यस सर ले लिए ले लिए। Failure of Rutherford model. Rutherford का model क्यों fail हुआ? सबसे important. He could not explain. He could not explain nuclear collapse. अब ये क्या है मैं एक मिनट में बताता हूँ। ओके इस वर्ड को मैं समझाऊंगा थोड़ी देर में। पहले एक पॉइंट यार इलेक्ट्रॉनिक चार्ज पार्टिकल है ठीक है। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर घूम रही है रदरफोर्ड के हिसाब से। अब इलेक्ट्रॉन चारों ओर घूम रहे हैं। अब इलेक्ट्रॉन जब यहां पे है इस पोजीशन पे है मान इलेक्ट्रॉन जब इस पोजीशन पे है इसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन किधर है इधर है ओके। इसकी वेलोसिटी में कुछ मान रहा हूं v1 है। अब इलेक्ट्रॉन मान घूमते घूमते यहां पे आया तो इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है इधर मोशन की डायरेक्शन। तो जब डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज होता है तो वेलोसिटी भी चेंज होती है मालूम है ना। यस सर ओके। जब इलेक्ट्रॉन मानो यहां पे आया तो इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन इधर है तो फिर वेलोसिटी बदल गया डायरेक्शन बदला तो वेलोसिटी बदला। जब यहां पे आया तो फिर इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन बदल गई। सर सर्कल में तो हर पॉइंट पे चेंज होती है ना वेलोसिटी। यस हर पॉइंट पे चेंज होती है। तो वेलोसिटी हर पॉइंट पे चेंज हो रही है इसका मतलब क्या होगा। जब वेलोसिटी चेंज होता है तो कैसा मोशन होता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। यस वेलोसिटी चेंज हो रही है हर पॉइंट पे तो ये एक एक्सेलरेटेड मोशन है। तो इलेक्ट्रॉन की जो मोशन है न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन की जो मोशन है न्यूक्लियस की चारों ओर इट्स एन एक्सेलरेटेड मोशन। और मुझे एक बात बताओ आप मतलब गाड़ी का एक्सेलेरेटर बढ़ाते ही हो तो ज्यादा तेल जलता है कि नहीं जलता। yes. जलता है। यस यस सिंपल सी बात है। अब इलेक्ट्रॉन जब एक्सेलरेट कर रहा है तो एक्सेलरेट करने के लिए एनर्जी तो चाहिए। एनर्जी आएगा कहां से इलेक्ट्रॉन के अंदर से ही एनर्जी निकलेगा तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी अपनी कम होगी। इलेक्ट्रॉन एनर्जी रेडिएट करेगा इलेक्ट्रॉन की जो अपनी एनर्जी है वो कम हो जाएगी निकल जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन की जैसे ही एनर्जी कम होगी तो इलेक्ट्रॉन क्या है एक्चुअली ये न्यूक्लियस तो हमेशा चाह रहा है कि इसको हम खींच लें बट इसके पास अपनी कुछ एनर्जी है जिसके कारण ये रेजिस्ट करता है यहाँ पे आता नहीं पर रुकने लगता है। तो एनर्जी इसकी जैसे ही कम होगी न्यूक्लियस के थोड़ा समीप आता है और घूमेगा और सामने आ जाएगा और घूमते रहेगा और एनर्जी रेडिएट करेगा और सामने आ जाएगा और इवेंचुअली जाके न्यूक्लियस और न्यूक्लियस से यदि टकरा जाएगा तो एटम की एग्जिस्टेंस तो खत्म हो जाएगी ब्लास्ट हो जाएगा। तो एटम यदि ब्लास्ट कर जाएगा तो बोर्ड ब्लास्ट कर रहा है क्या? नो सर नहीं ब्लास्ट कर रहा है। बोर्ड क्या बना हुआ एटम से ना बना तो इसकी भी एटम ब्लास्ट होनी चाहिए यदि घूम रहा है ऐसे तो रदरफोर्ड इस चीज को नहीं एक्सप्लेन कर पाए कि इलेक्ट्रॉन यदि घूम रहा है तो एनर्जी तो वो रेडिएट करेगा क्योंकि एक्सेलरेटेड मोशन है। जब एनर्जी रेडिएट आउट करेगा तो वो सामने आ जाएगा न्यूक्लियस का और न्यूक्लियस का सामने आ जाएगा इवेंचुअली न्यूक्लियस से टकरा जाएगा। न्यूक्लियस से टकरा जाएगा तो एटम की एग्जिस्टेंस खत्म हो पर एटम खत्म तो नहीं हो रहा। एटम दुनिया में है हम तुम सब हैं जिंदा कहां ब्लास्ट हो रहा है। तो मैटर एग्जिस्ट करती है एटम भी एग्जिस्ट करता
प्रोटोब्लास्ट नहीं, तो ही कुड नॉट एक्सप्लेन न्यूक्लियर कोलैप्स। ये सबसे बड़ी रीजन थी इनकी फेलियर। बी he could not explain the line spectra of elements। अब बेटा ये वाला लाइन किस चिड़िया का नाम है छोड़ो, एक्चुअली एक टॉपिक आई भी जहां पे हम लोग पढ़ेंगे एटॉमिक स्पेक्ट्रा बोले जो लाइन स्पेक्ट्रा, वहां पे आपको ये समझ आ जाएगी कि ये चीज को रदरफोर्ड को एक्सप्लेन कर देना चाहिए था पर एक्सप्लेन नहीं कर पाया था इसलिए उसकी मॉडल गलत। तो ये अभी दिमाग मत लगाओ, जब वो टॉपिक पढ़ेंगे तब हम लोग समझ जाएंगे कि ये रदरफोर्ड की डिसएडवांटेज। ओके, तो फिलहाल इसका दिमाग नहीं है। तो ये दो बिगेस्ट फॉल्ट थी रदरफोर्ड की, एक तो समझ के, दूसरा जब ये पूरी एक टॉपिक है जब ये टॉपिक पढ़ेंगे इस चैप्टर में तब हम लोग समझ जाएंगे। तो रदरफोर्ड का मॉडल इस प्रकार फेल हुआ। ओके, तो रदरफोर्ड के साथ कोई प्रॉब्लम हो गई कि तो रदरफोर्ड का मॉडल फेल हो गया। देखो स्टेप बाय थॉमसन का मॉडल रदरफोर्ड ने गलत प्रूव किया, अब रदरफोर्ड का मॉडल तो अपने ही गलत प्रूव हो गया पहले। फिर नील भोर आए, नील भोर ने एक मॉडल, तो नील भोर की जो कहानी है इसको मिटा देता हूँ पहले। तो मिटाना क्या है, दिमाग लगाओ, समझ समझो अपने शब्दों में लिखना, रटना नहीं है, ठीक है, मिटा रहे, स्क्रीनशॉट लिए। Yes, sir. Yeah.